काम से दुखी इंसान। इन्होंने कहना कुछ बनिया नहीं, कुछ कमाऊंदा नहीं है, फारग बिल्ला तो। ये देखें, इसने मुर्गी को होते देखा और इसका बीच में कुछ हो गया। ये देखें, आइंदा के बाद जिसने भी खरबूजे लेने ना, उसके जो ऊपर वाला गोल दायरा होता है वो इतना बड़ा हो, वरना आपने नहीं लेना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय डेली व्लॉगिंग एपिसोड 3। आज मैंने जैसे कल आपको बताया था कि मैं पेपर की तैयारी कर कर इतना थक गया था कि मैं रात का सोया हूँ। मैं अब उठाऊँ तो बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तकरीबन टाइम हो रहे हैं कोई 5 बज रहे हैं, 4:30 हो रहे हैं, तो मैं तकरीबन उठ गया था तो करीबन 2 बजे। उसके बाद इतनी गर्मी देखें कितनी है, पसीना आ रहा है। मैं अभी के इसी में बैठा हुआ तो पसीना आ रहा है, पता नहीं गर्मी क्या करेगी। अभी तो मई स्टार्ट हुआ है, तो आगे जाके देखो क्या बनता है। मैं उठा हूँ, नहाया हूँ, नमाज़ पढ़ी है, तो मुझे बाबा की कॉल आई कि तुम जहाँ पे हम न्यू घर बना रहे हैं तो वहाँ पे जा रहे हो, आपके लिए ये भी एक सरप्राइज है कि हम जो न्यू घर बना रहे हैं मैं आज आपको वहाँ का हाउस टूर भी कराऊँगा। जैसे कि कंप्लीट नहीं हुआ अभी, तो अंडर प्रोसेस है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो जितना वो बन गया मैं आपको वो दिखाऊँगा। और वहाँ पर जाके फिर हम आपको अपनी कॉलोनी का व्यू भी करवाते हैं, तो कैसी है कॉलोनी और कहाँ पे हम बना रहे हैं, तो ये सब मैं आपको गाइडेंस कर दूँगा जब वो कंप्लीट होगा। फिर इंशाल्लाह जब वो मुकम्मल हो जाएगा, उसका मुकम्मल रेनोवेशन हो जाएगी, तो फिर हम आपको दोबारा अपना हाउस टूर दोबारा करवाएंगे उस न्यू घर का। मैं वहां पर जाता हूं, आप तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मैं आपको वहां पर जाके मिलता। 5 minutes later तो गाइस हम निकल चुके हैं, मैं अपने घर से निकला हूं। ये देखिए मेन रोड पे हूं, जहां पे मैंने आपको कल भी दिखाया था, मेन रोड पे हूं। अभी ये रोड निकलता है, शॉर्टकट है जो सीधा हमें लेके जाएगा सरगोधा रोड पे। तो धूप आप देख ही रहे हैं कितनी ज़्यादा है, और इस धूप में जाना ही देखिए मेरी शक्ल भी बढ़ रही है और ये मुझे काला कर देगी। ऐसे में बड़ा सख्त लौटा हूँ, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया, पता नहीं क्या बनता है। तो अभी तकरीबन भाई हमारे इस घर से वो घर हमारा तकरीबन 15 मिनट दूर है, ये वो हाँ सरगोधा रोड पे है वो, तो यहाँ से तकरीबन 15 मिनट का फासला बनता है हमारे उस घर की तरफ। तो 15 मिनट बाद ही बाबा आपको मिलता हूँ। ये तो ये हम फाइनली लूनी के अंदर एंटर हो चुके हैं। ये इसका मेन बुलेवार्ड है और ये एक मेन बुलेवार्ड ये है। जी तो गाइज फाइनली हम अपने साइड पे आ गए हैं। ये देखें जी, ये देखें, ये बैठा हुआ है। ओए उल्मा के चपेटा क्या सी भैया सिर्फ तीन गाइज उनको उल्मा से चपेड़े पड़ी थी, मुझे याद है। हेलो भाई उल्लू से चपेड़ा खाने वाले हो गाइज, मैं आपको फर्स्ट फ्लोर करवाता हूँ। जी तो गाइज ये देखें, ये उसका फ्रंटल, ये नीचे का ग्राउंड फ्लोर है, वो फर्स्ट फ्लोर ऊपर, और उसके ऊपर फिर ममटी और पर्दे वगैरह। ये तकरीबन हमारा सारा फ्रंट एलिवेशन अभी तैयार हो रहा है, वो ऊपर लोअर्स बन रहे हैं, ये चीज़ बनी है और बहुत से सारा बहुत से बने। तो गाइज ये मैं अपने हाउस पर निकल आया हूँ। ये इसका गराज है, गराज से एंटर होते साथ ही दोबारा खुला हुआ। ये है जी हमारा लॉन, ये हमारे मिस्त्री साहब जो हमें घेरा करवाते हैं गुजरा वाले। यार तो कह रहे गुजरा वाले आज भाई हैं, तो सानू 4 दिन का कह के, तो तू भाई है तू कह रहे गुजरा वाले आया सानू दस, 4 ब्याह केरे केरे, तू तो सानू 1 ब्याह दस के गया सी, कते साली दा सी। हम ते जिदने जिने इधर ढुकणा दी ना ओदे भरा दा भी सी गया, दो हो गए वो भी टर्न कीता। फिर उस तो बाद एक सामने चाची सी, अच्छा ओदी बेटी आ लाणा सी मामे दे मुंडे ने। ये गाइस इसने मेरा 2 हफ्ते ऐसे गेरे में रखा है। और सुनाओ यार, तुम मिठाई दा क्या कहया सी, मैं लेके आया कि नहीं? मिठाई भी लेके आया सी यार, ओदा बैगा खराब हो गया। ओके देखें गाइस इसका बहाना है, यार तू पहले तो क्या नहीं ले गया आज ही। अच्छा चलो बाकी आपको अंदर ही चीज़ें दिखाते हैं। आइडियल मैं करना होता हूँ गुजरा गया, ये सीढ़ियाँ हैं, ये सामने इसके पाउडर रूम जिसे कहते हैं। ये हमारा आ गया टीवी लॉन, ये इसका तकरीबन प्लस्तर हो चुका सारा टीवी लॉन के साथ। ये हमारा डाइनिंग एरिया, और वो जहाँ पे वो बैठा था सर वो हो गया उसका ड्राइंग रूम। ये किचन है, किचन, फिर ये इंटर होते साथ ही आगे लोबी है एक छोटी सी जो कि बिल्कुल खाली, यहाँ पे वो फ्लूस घर आ जाएगा। एक रूम ये है, एक रूम ये है। इस रूम के साथ
ये इसका अटैच बात है, और ये मास्टर रूम है यहाँ का, तो मैं आपको दूसरा रूम भी दिखाता हूँ। ये एक रूम है, इसके साथ भी ऐसी अटैच वाशरूम। अब ऊपर वाला पोर्शन आपको दिखाता हूँ। ये सलाउदी ने निकाल दिया उल्मा को चपेटा खा, कैसा लगा से? हैं कितने आप ना लेंदे? चलो गाइस जी, हम ऊपर वाले पोर्शन की तरफ जा रहे हैं। सीढ़ियाँ, यहाँ भी एक विंडो है, ये उसकी चौकी टाइप जिसे कहते हैं, थड़ी खिड़ी ऊपर। यहाँ से फिर ऊपर कुछ सीढ़ी चली जाती है छत को, और ये यहाँ पे आते हैं स्टोर रूम। ये वाला स्टोर रूम है, सामने वो टेरेस है। ये एक मास्टर बेड है। अच्छा जी, ये इस रूम का ये मास्टर बेड है, फुल जकूजी वाला माहौल है ये वाला, मतलब रूम जितना ही है ये। यहाँ से आगे गए तो फिर वो नीचे वाली सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, टीवी लॉन, सामने दो रूम, और ये एक किचन। ये एक किचन है। यहाँ से हम ऊपर जाते हैं, ये ऊपर वाली विंडोज को ऐसे ही, ऊपर वाली सीढ़ी को तो ऊपर छत पे जाने के लिए, ये एज इट इज़ ऐसी विंडो, ये चौकी और ये सब सीढ़ियाँ, और यहाँ से ये छत स्टार्ट। तकरीबन 11 मरले हमारा घर है ये वाला। अच्छा तो गाइस, मैं यहाँ से निकल गया था अच्छा साइड से, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैंने शहरी को कॉल की है तो वो कह रहा है मेरी तरफ आ जाओ, अब मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, तो फिर मैं आपको वहाँ पर जाके उससे पता चल कर बताऊँ, और फिर मैं आपको वहीं से मिलता हूँ, ठीक है? 5 minutes later. जी तो गाइस, ये फाइनली घर से बाहर आ गया। ये देखें गाइस, मेरे घर वालों ने मुझे ना जलील किया हुआ है, जलील और शदीद और कबीर। मैं जब काम करने बैठता हूँ, हाँ। पिछले हफ्ते से, मतलब लास्ट वीक मैंने काम नहीं किया प्रॉपर, अपने किसी भी क्लाइंट को मैंने कोई काम कर नहीं दिया। पिछले 2 दिन मैंने कर सका इस वीक के स्टार्ट में, और अभी भी मतलब मैं काम पे बैठा हूँ, पहले 2 मेहमान आ गए, 3 और आ रहे हैं, और मैं सामान लेने जा रहा हूँ, और फिर मैं लेके आऊँगा, फिर मेहमान आ जाएंगे, फिर उनको खाना दूंगा, फिर इंशाल्लाह कोई ना कोई आता रहेगा माशाल्लाह। दुखी इंसान, दुखी इंसान, काम से दुखी इंसान। उन्होंने कहना कुछ बनिया नहीं, कुछ कमाऊंगा नहीं है, फारग बिना तो। अच्छा गाइस, तो मैं अब इसको सामान ला दूँ, उसके बाद फिर हम आराम से बैठते हैं, फिर आपसे करते हैं बात। शरी जलील होते हुए गाइस, यहाँ से इसका चिकन वगैरह ले लें, फिर अगली शॉप पे चलते हैं, देखना क्या लेते हैं। ये देखें, इसने मुर्गी को होते देखा और इसका बीच में कुछ हो गया। ये देखें, ये भाई जान सामान लिया हमने, वाटरमेलन और खरबूजे और वो चिकन। चिकन हमने लेना नहीं था, हमने गोश्त लेना था, लेकिन कमाओ यार, लेकिन वो ना मिला ही नहीं आज हमें, पता नहीं आज कोई छुट्टी थी किसी की तरफ। तो ये अब हम घर वापस आ गए, अब हमारे मेहमान आने वाले हैं, तो हमने सीन होना है। गाइस, मेरा दोस्त बिस्ती बोर प्रो मैक्स करवाने के बाद चलिए यार बड़े हो गए, आपको समझा आगे भेजा था उन्होंने। आइंदा के बाद जिसने भी खरबूजे लेने ना, उसके जो ऊपर वाला गोल आ रहा होता है वो इतना बड़ा हो, वरना आपने नहीं लेना भैया, वरना वो मीठे नहीं होते और वो वापस लेके आने पड़ते। चल अब क्यों जा रहे हैं? अब हम जरा जा रहे हैं जी शॉप पे, कुछ खा पी लें, कभी रात से इसको बाद लेते हैं। जी तो गाइस, मैं अपने दोस्त को छोड़ के फ्री हो गया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से सीधा घर, और ये देखें रोड पे हूँ, तो अब मैं आपसे घर जाके मिलता हूँ, और वहीं पे मैं व्लॉग को एंड करूँगा, ठीक है? तो मैं आपसे अब घर जाके मिलता हूँ। 5 minutes later. अच्छा तो गाइस, मैं घर आ गया हूँ अब, तो अब रेस्ट वगैरह करेंगे, शायद आपको पता बाहर गए थे, थक गए हैं बाइक चला चला के, और अब गर्मी से भी बहुत बुरा हाल है। अब घर आ गया हूँ, अब थोड़ा बहुत फ्रेश होऊंगा और खाना वगैरह खाऊंगा, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ व्लॉग को एंड। और आपने जो मुझे सुजेशंस दी थी, मैंने उनको फॉलो करते हुए अपना ये व्लॉग बनाया, तो उसमें मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आपको बुरा लगा और मैंने बहुत दोबारा रिपीट की हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकॉन को लाजमी दबाएँ, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर व्लॉग अच्छा लग रहा है तो कमेंट ज़रूर करें। बाकी आप, हम आपको अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो, या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।